Hi all of you, good evening. My name is Kathit. I have scored 301 marks out of 400 in CA Foundation December 2021 examinations. And एक ही चीज़ बताऊँगा मैं कि इंस्टीट्यूट के कोई भी लेवल के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए टोटल चार चीज़ें करनी होती है. द वेरी फर्स्ट थिंग, ICAI के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस. नंबर टू, मॉक टेस्ट पेपर. नंबर थ्री, रिविजन टेस्ट पेपर्स. एंड नंबर फोर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ये चारों चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिल जाएगी. ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लेवल पे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, अलॉन्ग विथ द बेसिक रिविजन स्ट्रेटजी जो आप खुद फॉलो करते हो. आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो या फिर किसी के प्रिंटेड नोट्स यूज़ करते हो, कोई कोचिंग वगैरह, कोई फैकल्टी के. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग दोज नोट्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए. पेपर नंबर वन और पेपर नंबर थ्री की बात करें अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. रिवीजन करते वक्त भी आपको उसको लिख लिख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी रहेगी. पेपर नंबर टू लॉ में आपको, मैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स अभी दिखा सकता हूँ. दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट करी जाती है अगेन एंड अगेन. तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, मैं नहीं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को रीड मत कीजिए, मगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से चार्ट फॉर्म्स में, पिक्चर फॉर्म्स में अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़, इकोनॉमिक्स में आपको लिखना नहीं होता है, तो इकोनॉमिक्स में यू कैन रीड इट फ्रॉम इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एंड रिफर द डायग्राम्स. मगर अगेन, हैंड रिटन और हैंड ड्रॉन डायग्राम्स होंगे तो आपके लिए पढ़ना और लास्ट मोमेंट पर रिविजन करना बेटर रहेगा. अपार्ट फ्रॉम इट, अकाउंटेंसी में बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे NPO और पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, तो उस केस में आपको मार्क कर लेना है कि एग्ज़ाम के वन डे बिफोर आई एम गोइंग टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस, दीज इलस्ट्रेशंस फ्रॉम ICAI का स्टडी मटेरियल. क्योंकि NPO में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आपको पहले से सिलेक्ट करना है. चार या पाँच क्वेश्चंस को रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है विच कवर्स द एंटायर चैप्टर. तो लास्ट डे पे आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ के जानी है. बाकी तो अगेन, द रूल इज़ क्वाइट सिंपल, चार चीज़ें करनी है और आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स अगेन एंड अगेन पढ़ते रहना है. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. थैंक यू.